Hi guys, it's me, your favorite AKR and you're watching it from our YouTube channel. तो कैसे आप लोग, आई होप आप समझते होंगे, बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे. बट आज हम यहाँ बढ़िया टकाटक नहीं है, आज हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो एक्चुअली क्या हुआ, सुबह मैं निकला था अपनी बाइक लेके अपने काम से, और मतलब मैं पहले पेट्रोल पंप गया था पेट्रोल डलवा के और उसकी हवा हवा चेक करवा के वापस आया था. इतने में हो गई बाइक बंद और फिर चलने में ही नहीं आ रही. तो भाई बाइक हो गई बंद, तो फिर मैंने क्या करा, बाइक को लगाया एक शॉप के पास जहाँ पे मैं जिनको मैं जानता था कि भैया मैं यहाँ पे बाइक खड़ी कर रहा हूँ उसमें करता हूँ. फिर वहाँ पर घर आया, फिर स्कूटी लेके फिर निकला, फिर दोबारा अपना काम वाम में करा. अब प्रॉब्लम क्या थी ना उस टाइम पे ना, मेरे को लगा था बस पेट्रोल पंप तक जाना है फिर वापस आ जाऊँगा. तो मैं अपना सेलफोन नहीं लेके गया था, तो ना मैं बीच में ब्लॉग बना पाया, ना किसी को कॉल के लिए हेल्प कर पाया. तो और मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी. मतलब मेरे को आज पहली बार ना, मेरे को आज हमारी पहली बार है बाइक ना बीच में रुकी है. आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी बाइक या स्कूटी ने कभी बीच में रोक दी हो. आज पहली बार, वो भी अच्छा था कि घर के पास ही था, तो मैंने उसको धक्का मारा और सीधे ला के एक दुकान पर खड़ा कर दिया. तो अभी बस चलते हैं और उसकी सर्विस करवाते हैं, या जो भी इसके अंदर इशू आया वो देखते हैं. जो मेन उसका इशू आया ना, सेल्फ नहीं चल रहा उसका, और मेरी बाइक के अंदर ना किक है ही नहीं. मतलब वो ऑटोमेटिक वाली चीज़ है उसके अंदर कुछ ऐसा कि उसके अंदर किक है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से ही स्टार्ट हो सकती है और वो चल ही नहीं रहा सेल्फ. तो कुछ लिटरली मतलब बुरे दिन काफ़ी अजीब सा स्टार्ट हुआ है. बट चलो कोई नहीं, सबसे पहले चलेंगे कुछ खाते हैं. अभी तो घर आ गया हूँ तो अभी कुछ खाते हैं, नहा के रेडी भी हो चुका हूँ क्योंकि बाहर मीटिंग के लिए भी जाना है. तो एक काम करते हैं, पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं अपनी बाइक ठीक करवाते हैं, फिर वहाँ से सीधा अपनी मीटिंग के लिए निकलते हैं. तो गाइस अभी भी अपने ऊपर बहुत सारे काम बाकी हैं, तो उसमें से एक काम तो बाइक का, एक मीटिंग का, एक लेवल के पास जाने का, तो बहुत सारी चीज़ बाकी है. तो एक काम करते हैं, जो दूर के काम है वो सबसे पहले निपटाते हैं. तो हम बाइक की चाबी दे देते हैं अध्यक्ष भाई को, ठीक है, वो उसका ध्यान रख लेंगे. बाकी मैं चलता हूँ लवली भाई के पास और फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं मीटिंग में. तो जो दूर के काम है वो पहले निपटा लेते हैं. तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ लवली भाई के घर, अब हमें जाना है आगे मीटिंग में. और पता है ऐसा बताओ, मुझे अपनी बाइक की टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार अचानक से क्या हो गया. मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना अपनी बाइक को लेकर, क्योंकि आपको पता है भाई मेरे को ना बाइक से अलग ही इमोशन है और उसमें दिक्कत आई है. और बीच रोड पे वो खराब हुई ना, तो एकदम से मन से टूट गया और मुझे लिटरली काम पे से मुझे बाहर आना पड़ा. अदरवाइज नहीं तो मुझे मेरे बाइक के पास ही होना चाहिए था, उसको ठीक भी करवा लेना चाहिए था कुछ देर से. अभी वापस जाके देखता हूँ कि शॉप वाला क्या कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, ये प्रॉब्लम क्या आई है. तो भाई जिस तरह मेरी बाइक खराब हुई थी ना, मोनू की बाइक में भी प्रॉब्लम आ गई है. तो मोनू की बाइक भी लेके चलते हैं और मैं अपनी बाइक भी दिखा के आता हूँ, क्योंकि यार बहुत दिक्कत आ रही है. पता है इतना बुरा लग रहा है ना जब आपकी बाइक खराब हो जाती है ना बीच रोड पे, बहुत बुरा लगता है. तो भाई अभी रिपोर्ट ये है कि हमें अपनी बाइक को लेकर जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, क्योंकि नॉर्मल शॉप पे नहीं हो पा रही है. तो हमें लेके इसको सर्विस सेंटर सुजुकी के शोरूम में जाना पड़ेगा, वहीं से इसकी बात बन पाएगी. तो पहले सुजुकी शोरूम को कॉल करना पड़ेगा, तब तक हमें इसको घर पर लगानी पड़ेगी. तो भाई हमारी बाइक तो मैंने लगा दी अंदर, अब इसको सीधे सर्विस सेंटर लेके जाएंगे. फिलहाल जो मोनू है ना, इसको ट्यूशन छोड़ के आते हैं. तो भाई तेरा ट्यूशन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, तेरा ट्यूशन पूरा करवाएंगे, ले पकड़ चल चला. तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो भाई, मेरी तो हालत हो गई ख़राब. आज पूरे दिन ना वाटी लग गई, आज का दिन तो बड़ा अजीब है. और आने के बाद ये मम्मी की भी तबीयत ख़राब है. उठ जाओ यार, चल लो डॉक्टर पे चलो. तो भाई मैं आया तो मम्मी को डॉक्टर पे लेने. मम्मी ने डॉक्टर की दुकान बंद देखती कहीं, चलो आओ थोड़ी सी पहले ना घर के सामान ले. तो शॉपिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब शॉपिंग करते रहना चाहिए. वाह मम्मी वाह, लो जल्दी जल्दी लो, चलो डॉक्टर पे. तो गाइस फाइनली हम लोगों ने घर का सामान ले लिया और मम्मी को मेडिसिन भी दिला दी. मेरी हालत लिटरली बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, पर मूड तो एकदम खराब हो चुका है. प्लस इतनी धूल खाई है ना भाई आज मैंने, और बाइक इतनी दूर तक मैं घसीट घसीट के लेके आऊँ, बस मैं ही जानता हूँ मेरी क्या हालत है. सबसे पहले नहाते हैं, फिर चाय वाय बनाते हैं, मम्मी को कुछ नाश्ता वगैरह देते हैं, फिर उनको मेडिसिन देते हैं, उनको रेस्ट करने देंगे और मैं अपने कामों में लग जाऊंगा. सो गाइस नहाने के बाद मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ ना, अब मतलब कम से कम आधा किलो मिट्टी हटाई होगी मैंने अपने ऊपर से. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मिट्टी में भर रखा था भाई मैं. वो यार दिल्ली के रोड में आपको क्या बताऊँ, धूप में स्कूटी बाइक चलाना तो भाई मतलब एकदम जहर. सो यस, अगर आप लोग जाते हो बाहर तो भाई पूरा अपने को कवर ओवर करके जाया करो. मेरी तरह ऐसे ही फुल करके ऐसे अजीब से मत निकला करो. लिटरली भाई मेरे को ना अपना थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए. बट मैं काम में कभी कभी इतना पागल हो जाता हूँ ना, मैं सोचता ही नहीं, मेरे को बस उठाओ और भागो. मतलब मैं आया घर पे, मम्मी साथ खाना खा रहा था, खाना खाते ही लवली भैया का फोन आया, सीधा मैं स्कूटर उठाया और सीधा पहुंच गया जगह पे. फिर वहां से मैं और लवली भैया गए मीटिंग में. मीटिंग हमारी बहुत अच्छी हुई, तो आगे वाली चीज़ें जो आऊंगी वो आपको दिखा दूंगा, शूट वाली चीज़ मैं आपको बता दूंगा. बट फिलहाल की रिपोर्ट ये है कि भाई पहले पीते चाय, उसके बाद करेंगे कोई दूसरा काम. तो गाइस जैसा आप लोगों को पता है मम्मी जी की हो गई तबीयत खराब, तो हम लोगों ने बाहर से सब्जी मंगाई है, घर की रोटी घर की है. तो चलो आप पहले खाना कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपनी एडिटिंग में लग जाते हैं. देखो मैंने यहाँ पे सारा काम लगा रखा है एडिटिंग के लिए, तो खाना कंप्लीट करते हैं और फिर एडिटिंग करते हैं. तो गाइस जितना मैक्स पॉसिबल चीज़ थी ना वो तो मैंने कर ली, बट अब बाकी काम हमें करना पड़ेगा कल. बट कल मुझे बाहर जाना है, कल अपने एक शूट प्लान हो रहा है तो हमें उसके लिए जाना है.
और उसके लिए मेरे को थोड़ी सी ना पैकिंग करनी है, क्योंकि शायद से वहाँ पर थोड़ा लेट नाइट हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ी सी पैकिंग करनी है, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। बट उस सब चीज़ों में एक चीज़ भूल गया, अपनी स्कूटी की पार्किंग करना। बाइक को हमें शोरूम पे लेके जाना पड़ेगा, तो अभी हमें पूरे तरीके से स्कूटी का ध्यान रखना है ताकि हमारा काम ना रुके। तो जल्दी से जाता हूँ, स्कूटी पार्किंग में लगा देता हूँ और फिर वापस आता हूँ, और तब तक मैं फोन को चार्ज में लगा देता हूँ ताकि आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। सो गाइस, स्कूटी अंदर पार्क कर दी है, सब कुछ डन हो गया, ताला वाला सब कुछ मतलब एकदम फुल फैंटास्टिक हो चुके हैं। अब क्या सीन है कि सर अब बज गए हैं रात के एक और मेरी आंखें गई चढ़, मतलब मुझे आ रही है बहुत ज्यादा नींद, और नींद के अंदर मैं वो क्या होता हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। जब मुझे नींद आने लगती है ना, फिर मेरा कहीं मन नहीं लगता, फिर मुझे बस सोना है। दो बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई है, एक तो अपनी बाइक वाली, सेकंड ना आज बाहर का खाना खाया था ना, तो अब स्टमक दिक्कत दे रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है, जैसे प्रॉपरली मतलब नीचे गया ही नहीं है, डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है, बस यहीं पे सब कुछ स्टोर हो गया है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक काम करते हैं, मस्त एक थोड़ा सा ना गर्म पानी पीते हैं और फिर मैं सो जाता हूँ, और फिर कल सुबह उठ के शूट की तैयारी करते हैं, मतलब कपड़े वपड़े, मतलब अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, कपड़े ना कपड़े पैक करे, ना सामान रखा, ना शूटिंग के लिए मेरे को जो अपने पेपर वर्क कम्प्लीट करना था वो करा, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के ही काम शुरू कर दूंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ कर दें लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ दबा देना बेल आइकन ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन रोज सुबह 10 बजे। बाय।